Thank you. नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में पंद्रह सवाल विशेष रूप से एसएससी बैंकिंग रेलवे और डिफेंस के लिए इन सवालों में आपका स्वागत है महत्वपूर्ण नियुक्तियां दिवस और कार्य दिवसों के साथ साथ आपको खेल संबंधी जानकारियां पंद्रह मिनट में यहाँ पर साझा की जाती हैं जो कि आपकी एस बैंकिंग रेलवे और डिफेंस की तैयारी में काफी महत्वपूर्ण होती है ये सेशन सोमवार से शुक्रवार आपके लिए लिया जाता है तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे साथ में है राहुल निरंजन मोहित बेस्ट हैवी ड्राइवर मनोज रघुवंशी राहुल माइकल सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग जल्दी से सेशन को शेयर करिए और जानकारी प्राप्त करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में सेशन की शुरुआत में हमेशा की तरह सबसे पहले रेफरल कोड के संबंध में बात बता दें कि हर दिन हमारे द्वारा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराए जाते हैं और उन्हीं में आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चल रही हैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस मॉर्निंग में दस बजे और मॉर्निंग में दस बजे स्पेशल क्लासेज आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित टैन आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं आइए साथियों शुरू करते हैं आपके सामने आज की जानकारी पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा सबसे पहला सवाल आपके सामने है सवाल में पूछा गया है केंद्र सरकार ने के के वेणुगोपाल को एक और वर्ष के लिए अटॉर्नी जनरल के नियुक्त में नियुक्त कर दिया है उन्हें पहली बार किस वर्ष नियुक्त किया गया था काफी महत्वपूर्ण सवाल है इसे जरूर से आप लोग एक बार के लिए कर लीजिएगा साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह समझना है कि के के वेणुगोपाल जो कि केंद्र सरकार के अंदर अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं तो सवाल है कि हमारे संविधान में क्या अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो संवैधानिक पद है क्या क्या इसके लिए भारतीय संविधान में कहीं कोई आर्टिकल लिखा हुआ है क्या आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि क्या भारतीय संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी आई एम वेटिंग फॉर यू कि क्या हमारे लिए यहां लिखा हुआ है आंसर आपने टू थाउजेंड सेवन दे दिया सेवनटीन दे दिया है निरंजन सूरज करुणा धीरज मेरा जो सवाल है कि क्या यह एक संवैधानिक पद है यस yes. श्रद्धा आलोक अंशिका निरंजन सुमित बिल्कुल सही जवाब दिया आर्टिकल नंबर 76 के तहत हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल नंबर 76 के तहत कि ये ठीक है ना हम्म चलिए तो मैंने एक्चुअली क्या है कल का टाइटल डिसाइड किया है आप लोगों के लिए मैं भूल जाऊंगा अदरवाइज कल सुबह वाली क्लास में हम लोग नेशनल पार्क पढ़ेंगे ठीक है ना ये याद रखना और सभी को बता दीजिएगा बहुत बढ़िया तो ये फर्स्ट हमारे लिए क्या कहलाते हैं भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहलाता है कौन जनरल ऑफ इंडिया दैट इज अटोर्नी जनरलगोपाल दूसरा सवाल है मेरा जो आपसे पूछा जा रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितने साल के लिए इस पद पर लोगों को बिठाया जाता है क्या इसके लिए कोई फिक्स कार्यकाल होता है जल्दी से इसी बात में कमेंट में बताइए कि इनका कार्यकाल कितने समय के लिए निर्धारित किया जाता है अगर आप ये बता देंगे तो मैं आपको अन्य जानकारियां देता चलता हूं तो इधर देखिए साथियों यहां पर सबसे पहला आंसर तो आपने सही दिया कि 2017 में इन्हें नियुक्त किया गया था इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है तो अब आपके मन में सवाल बनेगा कि 2017 से अगर आपने ये देखा है तो टेक्निकली 2017, 18, 19, 20 तो इसका मतलब कार्यकाल बढ़ता चला जा रहा है कुछ विद्यार्थी पांच साल लिख रहे हैं तो 2017 में अगर नियुक्त किए गए थे तो भाई पांच साल तो अभी हुए ही नहीं तो फिर कार्यकाल कब बढ़ा दिया गया यस yes. तो यहां पर देखिए एक विद्यार्थी ने जिसका नाम है सूर्यकांत रोत्रे बिल्कुल सही निशी जौहरी बिल्कुल सही जवाब ये है मुनमुन त्रिपाठी बिल्कुल सही इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है यानी कि इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है यह तथ्य भी हमें पता होना चाहिए ये तीन साल के लिए पहली बार में अपॉइंट किए गए थे लास्ट टाइम भी इनका कार्यकाल एक साल बढ़ाया गया था अभी एडिशनली फिर एक बार एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ठीक है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया चलिए अच्छा एक सवाल और पूछता हूं बताइए कि क्या ये भारत की संसद में बैठ सकते हैं या अपना पक्ष रख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के क्या ये अपनी बातें रख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में बढ़िया सवाल है यस और नो में अपना आंसर लिख दीजिए इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक है ना अच्छा मतलब ये जो है इनको उन्होंने मतलब अटॉर्नी जनरल है भारत के सबसे बड़े इनका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं ये भारत सरकार के सबसे बड़े वकील कहला सकते हैं यानी लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के ठीक है ये 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 वकील हैं हैं एक तरह से ये समझिए ये? यानी कि भारत सरकार का हर जगह केस रखते हैं। तो देखिए यस यस और नो की आ गई है है लेकिन राइट आंसर ये ये संसद में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते ये इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है ठीक है ना अच्छा और ये बहुत बड़े वकील मतलब सरकार के अपने वकील इस प्रकार से समझिए क्या इनको हटाने का कोई प्रोविजन संसद संविधान में दिया हुआ है कोई

गई है ठीक है ना हाँ जी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों ओडिशा बालासर में मतलब बालासर तट पर कमेंट बॉक्स में बता दो कल उड़ीसा में बालासर तट पर मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि बताइए डीआरडीओ ने कोई मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया था जल्दी से बताइएगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं कैन ही गो आईसीजे अर्चित नहीं बेटा है ना आईसीजे के लिए ये नियुक्त नहीं होते हैं लेकिन इनकी मनाई भी नहीं है कि अगर ये आईसीजे में भारत का केस रखने जाएं तो ठीक है ना हाँ भाई राहुल थैंक यू सो मच डीआरडीओ ने पिनाका का परीक्षण किया था याद है जो तो कि भारत ने जो आईजीएमडीबी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया था पिनाका मल्टी एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम चलाया था उसमें पांच मिसाइलों के विकास का निर्णय लिया गया था और वो पांच मिसाइलें कौन कौन सी थी तो वो पटना नामक पांच मिसाइलें थी ठीक है ना उनमें से एक पी का मतलब था पृथ्वी ए का मतलब था अग्नि टी का मतलब त्रिशूल एन का मतलब नाग और ए का मतलब आकाश तो ये जो अग्नि मिसाइल है ये आई इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप की गई मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है अगेन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है वो मिसाइल जो अपने पथ पर चलते समय आकृति में गति करती हो क्या कहलाती कहलाती है है बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। और क्रूज मिसाइल जो अपने पथ पर जमीन के समानांतर गति करती है वो क्रूज मिसाइल कहलाती है ठीक है ना तो ये तथ्य आपको याद होना चाहिए हमने इसका प्राइम जो है उसका अभी उद्घाटन कर दिया है तो डी ने नई जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल जो एक से लेकर दो किलोमीटर तक जा सकती है कैपेसिटी इसकी एक हजार से दो हजार किलोमीटर तक है और ये हमने हाल ही में बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ में इसका टेस्टिंग ट्रायल कर लिया है ठीक है ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत इसको पाकिस्तान और चाइना के लिए टारगेट कर सकता है न्यूक्लियर कैपेबल है और ये रिप्लेस करेगी पृथ्वी को अग्नि वन को अग्नि टू मिसाइलों को जो कि भारतीय आरस में दो दशक यानी बीस साल पुरानी हो चुकी हैं उनके स्थान पर इसका उपयोग किया जाएगा आपको मालूम होना चाहिए भारत में अग्नि प्राइम और अग्नि फाइव जो है ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिनको एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लीड किया गया था यह जानकारी ने बता दी है तो असल में अग्नि प्राइम है क्या तो जो हमारी अग्नि वन मिसाइल थी उस अग्नि वन मिसाइल के स्थान पर हमने इसका उपयोग किया है दैट इज अग्नि प्राइम मिसाइल का उपयोग किया है वन मिसाइल जो भारत में हुआ करती थी वो 250 किलोमीटर की रेंज तक ही उपयोग में ली जाती थी अब हम उसे हटा देंगे और उसके स्थान पर इसका उपयोग करेंगे किसने इसको विकसित किया है तो डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया गया है डीआरडीओ में वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ अपने आप में काफी सारी चीजों के लिए ऑलरेडी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सवालों में तो दो महत्वपूर्ण सवाल बैक टू बैक हो गए ठीक है अच्छा इसी के लिए प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है तो साथियों ये मिला है दिल्ली मेट्रो को जापान की सोसाइटी ने सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया है क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी बात है उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा दिल्ली मेट्रो के फर्स्ट फेज सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए यह अवार्ड दिया गया है आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली मेट्रो एक उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा रखती है जिसके लिए इसे यह अवार्ड दिया गया है अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है अगर हम बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी तो दो में इसकी शुरुआत हुई थी वर्तमान में यह तीन सौ किलोमीटर रेंज तक कार्य कर रही है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधीन यह अपना कार्य करती है आगे बढ़ते हैं साथियों यह भी मैंने मॉर्निंग में भी पढ़ाया था अभी के रूप में भी याद कर लीजिएगा अमेजन ने हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है विकर उसका अधिग्रहण कर लिया है यह क्या है एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन क्या होता है जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो वहां लिखा आता है योर मैसेज इज वन टू वन एनक्रिप्टेड यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजा जाएगा तो उसे बीच में कोई नहीं पढ़ सकता दैट इज नॉन एज एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम और उसमें है नाम विकर का यानी अमेजन ने भी एक प्रकार का व्हाट्सएप जैसी सुविधा को परचेज कर लिया है ठीक है बेटा तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इंपॉर्टेंट रूप से याद करनी चाहिए सर बुक लॉन्च करिए इस क्लास के लिए भी संजू बिल्कुल आ रही है बेटा है ना चार तारीख को बुक लॉन्च है एक तारीख को वेबसाइट लॉन्च है ठीक है बिल्कुल हो जाएगा है ना हाँ जी सबर का सर आई एम फ्रॉम बालासर एंड वॉचिंग योर वीडियो फ्रॉम बालासर बहुत ही बढ़िया चलिए तो आप तो फिर इस प्रकार की लॉन्चिंग भी देखते होंगे है ना करंट कितने टाइम का प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम बेटा एक साल का करंट जो है आपको प्रिपेयर करना चाहिए ठीक है हाँ जी इसके साथ साथ ही ठीक है ना हा अम्मा जो उनके द्वारा किया गया है हाँ जी जाट लिख रहे हैं सर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है तो भारत में पी पृथ्वी एंटी डिफेंस और एडी एडवांस एयर डिफेंस में विकर परचेज कर लिया गया है अमेजन वेब सर्विस के द्वारा अमेजन के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न अच्छा अमेजन के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लीजिए अमेजन एक अमेरिकी कंपनी है जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। अभी ना इनके साथ गजब काम हुआ है आपको याद हो तो जेफ बेजोस अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले हैं अमेरिका में गजब प्रकार की पिटीशन साइन की जा रही है और वो पिटीशन क्या है कि जेफ बेजोस अंतरिक्ष में जा रहे हैं काश ये अंतरिक्ष में ही रह जाएं वापस लौट के ना आए अमेरिका में पचासों हजार लोग इस चीज पर साइन कर चुके हैं कि ऐसे लोगों को धरती पर होना ही नहीं चाहिए इन्हें ऊपर की ऊपर ही उठा ले भगवान ये ऊपर ही रह जाए गजब ही चीज चल रही है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या है आपको जानना चाहिए साथियों अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में है फुकुओका पुरस्कार 2021 हजार इक्कीस तीन प्राप्तकर्ताओं में से किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को मिला है तो साथियों यह मिला है पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार पी साईनाथ को मिला है यह आप तथ्य याद रख सकते हैं ये जाने माने पत्रकार हैं इन्हें फुकुओका पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है साईनाथ ने ग्रांड प्राइज ऑफ फुकुओका ओका प्राइज जीता है ये जो है ये जापान के अंदर दिया जाता है जापान ने ही हमारे यहां पर अभी मेट्रो को पुरस्कार दिया जापान काफी महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है इनके द्वारा जो नॉलेज थ्रू राइटिंग और कमेंट्रीज जो दुनिया के अंदर रूरल क्षेत्रों में की गई हैं, उनके लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन देता है यह तो फुकुओ का सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है ठीक है यह तथ्यात्मक जानकारी आप लोग याद रख सकते हैं फुकुओ का प्राइज जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है तो जापान के द्वारा दिया जाता है और यह पहले मोहम्मद मतलब ग्रांड प्राइज है फ्रॉम बांग्लादेश हिस्टोरियन रोमिला थापर एंड मास्टर अमजद अली खान इन पास्ट ईयर यानी पहले रोमिला थापर को भी मिल चुका है अमजद अली खान को भी यह पुरस्कार मिल चुका है अभी तक 11 लोगों को भारत में यह फुकुओ का पुरस्कार मिल चुका है 115 लोग 28 देशों के अंदर इस पुरस्कार को लास्ट तीन साल में प्राप्त कर चुके हैं तो 30 साल में इतने लोगों को मिल चुका है इनसे पहले भी भारत में यह अवार्ड मिल चुका है ठीक है ना चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या है आइए हम बताते हैं साथियों यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि वंदे मातरम के निर्माता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को प्रधानमंत्री ने उनके जन्म दिवस पर मतलब याद किया एक सौ बर्थ एनिवर्सरी सत्ताईस जून को मनाया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई साथियों इन्होंने अपना महाकाव्य लिखा

ठीक है ना इसी प्रकार से साथियों अठारह में इन्होंने बंग दर्शन नामक एक मैगजीन की साहित्यिक पत्रिका की स्थापना की थी जिससे बंगाली राष्ट्रवाद को इन्होंने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया था ठीक है ना इसके साथ साथ साथियों इनके द्वारा की गई जो प्रकाशित पुस्तक थी उसी को रविंद्रनाथ टैगोर ने आगे चल करके आगे बढ़ाया था साथियों इसी प्रकार से इनका जो योगदान है वो भारत और बांग्लादेश जो उस समय बंगाल विभाजन के समय अलग अलग हुए थे उस समय अमार सोनार बांग्ला को भी इन्होंने ही प्रमोट किया था तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखना ना चाहिए ठीक है ना तो वंदे मातरम हो या सोनार बांगला इन दोनों के लिए इन्हें जाना सुधार के लिए राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम में भागीदारी की है तो अगेन राज्य का नाम है उड़ीसा जिसने इस प्रकार के कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन किया है इसमें जानने लायक कुछ भी ऐसा नहीं है आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में यह प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कंट्री है मंगोलिया जिसके साथ भारत एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है नोमेडिक एलिफेंट ठीक है ना तो याद रखिएगा साथियों भारत इसके साथ युद्ध अभ्यास करता है मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है साथियों आर के सबरवाल को साथियों हाल ही में यहां का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है तो साथियों आर के सबरवाल को यह पुरस्कार दिया गया है क्यों दिया, गि दिया गया है क्योंकि आर के सबरवाल ने मंगोलिया में ऑयल रिफाइनरी स्थापित करने में मंगोलिया की मदद की थी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के नाम से यह अवार्ड दिया गया है मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार है आर के सबरवाल को यह अवार्ड मिला है क्योंकि मंगोलिया की पहली रिफाइनरी इनके द्वारा स्थापित की गई थी ठीक है ना तो यह याद रख सकते हैं मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले बन गए हैं आर के सबरवाल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से इन्हें सम्मानित किया गया है यह पोलर स्टार यहां का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है मंगोलिया का जैसे इंडिया में नोबल पुरस्कार होता है पेपर में निश्चित रूप से आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है अगर आपसे पूछा जाए क्या इससे पहले किसी को यह पुरस्कार मिला है तो जी हां इससे पहले श्री श्री रविशंकर प्रसाद जो हैं रविशंकर जो हमारे मतलब वो हैं एक गुरु हैं उनको दिया गया है आध्यात्म के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है इसके साथ साथ प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं लोकेश चंद्रा मधुसुर हैदर इनको 2016 में प्रमोट किया मतलब मंगोलिया के के साथ भारत रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिल चुका है ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें है यह पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है इंजीनियर इंडियन लिमिटेड के ये हैं जिन्होंने मंगोलिया में पहली रिफाइनरी स्थापित की है जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है मंगोलिया जी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मंगोलिया की साथियों राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए बिल्कुल इंडिया में भारत रत्न होता है सूरज सिंह बिल्कुल सही कहा बिल्कुल उसी के तर्ज पर आप समझ लीजिएगा ठीक है ना रेशभ बिल्कुल मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी जल्दी से ही ठीक है ना राजपूत लगता है गुरुजी आपके पास पर हमेशा रूम में रहती है हाँ राजपूत बिल्कुल सही कह रहे हो वो एनी टाइम क्लास में पढ़ती है आप लोगों के साथ साथ क्लास सुन रही होती है और आजकल तो वो ग्लोब लेके बैठने और लगी है ताकि वहां से चीजें ढूंढती और है बिल्कुल मुकेश सही जवाब दिया आपने उलन बटोर यहाँ की राजधानी है ठीक है ना उलन बटोर यहाँ की राजधानी है बिल्कुल सही चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हाल ही में ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को किस राज्य के द्वारा निर्यात किए गए हैं आजकल गजब चल रहा है साथियों बर्मीज अंगूर जो है वो भाई भेज दिए गए हैं अभी कल आ, आज सुबह ही मैंने पढ़ाया था अगर याद हो तो ड्रैगन फ्रूट महाराष्ट्र से भेजे गए हैं इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग फलों के निर्यात होने की आप चर्चा सुन रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रह रहे हैं जरूर इन्हें याद करिएगा ठीक है ना तो बर्मीज जो ग्रेप्स हैं ये हाल ही में दुबई के लिए आसाम से निर्यात किए गए हैं आसाम के अपेड़ा के द्वारा इसे लेटेकू और फ्रेश आसामीज बर्मी के नाम से भी जाना जाता है तो इसका दूसरा नाम क्या है लेटेकू लेटे नाम से भी इसे जाना जाता है ठीक है ना तो आसाम के लेटू लेटुको लेटेकू ये एक अंगूर की प्रजाति है जिसे अपेडा के द्वारा यानी एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट है उसके द्वारा किया गया है तो भारत में अपेडा ही है जो इस प्रकार के कार्यों को एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है आगे बढ़ते हैं साथियों लेटेकू के बारे में बता दिया आसाम के अंदर सात नेशनल पार्क है इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट की भी मैंने सुबह सुबह एक खेप जो है वो भिजवाई थी जिसे कमलन के नाम से जाना जाता है उम्मीद है आपको याद होगा महाराष्ट्र ने हाल ही में दुबई के लिए कमलन भी निर्यात किया था तो देखिए दो सवाल एक साथ फसलों से जुड़े हुए हो गए आप नोटिस करें तो आपने देखिए क्या चीज देखी कि बर्मीज ग्रेप्स जो है उसको भी एक्सपोर्ट किया गया है दुबई के लिए तो लगता है कि एक ही जहाज में भेज दिया गया है तो ग्रेप्स भी चला गया है और दूसरी तरफ मैंने आपको सुबह ही बताया था कमलन के नाम से जो फसल है है कमलन जिसे दुर्ग मतलब ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता विटामिन सी का एक रिच सोर्स है इसे भी हाल ही में बर्मा मतलब दुबई के अंदर पाया जाता है ड्रैगन फ्रूट का दूसरा नाम कमलन कहलाता है ठीक है ना हाँ भाई कुछ विद्यार्थी बफर बफर लिख रहे हैं लेकिन साहब बफर आ नहीं रहा है मेरे पास तो बफर नहीं आ रहा है जरदालू मैंगो सहित लीची बिहार से भेजा गया है है ना मेरे पास सब कुछ सही चल रहा है गुड़िया मौर्या विश्वजीत भगत बोस कुछ विद्यार्थी बफर लिख रहे हैं इनकेस अगर हुआ हो तो पता नहीं बीच में अगर हो गया हो तो है ना हाँ, बीच में हो गया होगा कोई बात नहीं थोड़ा बहुत हो जाता है लोड मत लीजिए बीच बीच में आ रहा होगा अभी कोई भी इशू नहीं है पढ़ते चलिए भारत सरकार किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है मेहलोनोबिस वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को यह दिवस मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स के द्वारा क्योंकि भारत में प्रसन्न चंद्र महल नोबिस जो हैं वो भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं तो इनकी याद में स्टेटिकस दिवस मनाया जाता है नेशनल स्टैटिकल दिवस हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों को उनके जीवन में स्टेटिक्स का रोल बताना इंपॉर्टेंट हो जाए देखिए असल में क्या होता है ना साथियों हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फैक्ट्स को लेकर के बहुत कमजोर होते हैं लेकिन महल नोबिस इसी चीज के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर भारत सरकार ने 2007 में स्टैटिक्स के ऊपर दिन बनाना निर्धारित किया था ठीक है ना तो वर्ल्ड स्टैटिक्स स्टैटिक्स डे जो जो है 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 वो वो अक्टूबर 20 को मनाया जाता है, और नेशनल दिवस जो है, वो 29 जून को मनाया जाता है तो 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिक्स दिवस है और इंडियन स्टैटिक्स दिवस जो है वो उनतीस जून को मनाया जाता है दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है प्रोफेसर पीसी मेहलोबिस के अवेयरनेस में इस अवार्ड को मनाया जाता है भारत की सांख्यिकी के ये जनक कहे जाते हैं ठीक है ना चलिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है तो साथियों 26 जून के दिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है इसे आप याद रख सकते हैं इसी के साथ ही साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न ये दो महत्वपूर्ण दिवस के लिए प्रश्न था फियर सेली फीमेल ए दुति चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है हाल ही में साथियों काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी साथियों स्टोरी ऑफ हु ब्रोक ग्राउंड एज फर्स्ट ओमरली होमोसेक्सुअल एथलीट यह इसलिए सुर्खियों में रही थी क्योंकि यह होमोसेक्सुअल है इनके कारण यह काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी काफी ज्यादा इनके बारे में कमेंट किया गया था यह उड़ीसा के एक गांव से बिलोंग करती हैं 100 मीटर रेस के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था हंड्रेड मीटर एट दी द रियो ओलंपिक्स रियो ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा क्वालिफाई करने के बाद से ये सुर्खियों में आ गई थी और ये समलैंगिक होने के कारण ये अपने इतिहास में मतलब ये अपने इन्होंने नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इसके लिए इन्हें चुना गया था तीरंदाजी विश्व कप स्टेज थ्री में स्वर्ण पदक किसने जीता तो साथियों हाल ही में दीपिका कुमारी ने आर्चरी वर्ल्ड कप जीता है दीपिका ने भारत को तीन गोल्ड दिलवाए हैं तीन गोल्ड दीपिका कुमारी के द्वारा भारत को दिलवाए गए हैं वर्ल्ड आर्चरी के अंदर दीपिका कुमारी ने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है क्योंकि उन्होंने लगातार बैक टू बैक तीन गोल्ड मेडल भारत के लिए जितवाए हैं जो हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी प्रतियोगिता पेरिस में हुई थी ये इन्होंने किया है ये कहां की रहने वाली है ये रांची की रहने वाली है और इन्होंने इस प्रकार का कार्य करके गोल्ड मेडल तालिका में अपना नाम ऊपर दर्ज दर्ज करवा लिया है किस देश ने अपनी पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है तो पहली बार पहली बार साथियों न्यूजीलैंड ने अपनी पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है जी हां साथियों न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है ये किसने जीती न्यूजीलैंड ने ये फाइनल मैच हुआ था इंडिया के साथ में इनका जिसे जीत लिया है टॉप थ्री टीम यहां पर न्यूजीलैंड सेकंड पर इंडिया और थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया रहा यहां पर साथियों यह मैच खेला गया था और इसके अंदर न्यूजीलैंड जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर नंबर वन पर रहा है ये थी सारी जानकारी यदि आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं अन अकेडमी पर पेड बैचेस में तो मेरा रेफरल कोड है अंकित टेन जिसका उपयोग करके आप मेरे साथ कल शुरू हो रहे इकोनॉमिक्स के बैच में एंटर कर पाएंगे ये क्लास आपको लाइव मिलने वाली है रिकॉर्डेड भी आपको वीडियो मिल जाएंगी पुरानी सभी क्लासेज मैथ रीजनिंग इंग्लिश की तमाम क्लासेज आपको एक ही जगह पर प्राप्त हो जाएंगी क्लास लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अनअकेडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए फोन नंबर से अपने आपको रजिस्टर करिए और एक साल की फीस के साथ साथ में आपको सब्सक्रिप्शन अंकित टेन लगाने के साथ 5850 का मिल जाएगा, क्योंकि एक साल की अवस्थी सर पर फॉलो कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित